Hi guys, good afternoon. कैसे हो आप लोग सब? I hope आप एकदम first class मजे में होंगे, right? Yes. So दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि May 21 and onwards जो audit का exam होने वाला है, उसके अंदर हमें एक नया topic पढ़ना है. और वो नया topic कौन सा है? Companies Auditors Report Order 2020. So 2020 Companies Auditors Report Order 2020, ये हमको नया पढ़ना है. So this is the new thing what we have to study. So बच्चों, चाहे फिर आप यहाँ पे CA Intermediate में पढ़ रहे हो या आप CA Final के लिए पढ़ रहे हो, आपको ये Companies Auditors Report Order 2020 आपको applicable है. सिंपल, राइट? सो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस बेस्ट टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं. हम लोग जानेंगे, हम लोग समझेंगे कि बाबा इसके अंदर क्या चीजें नई आई है, क्या चीजें अलग अलग है, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, सो दोस्तों चलिए हम लोग देखो, अभी जो आपने क्लासेस ऑर्डर करी है ना, तो उसमें आपने बहुत सारी बातें अपने कारों से रिलेटेड पढ़ी है. और वो पहले जो आपने कारों जो अभी जो आपने लेक्चर्स लिए उसमें आपने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016. सो अब 2016 अब नहीं रहा, उसके जगह पे आया है कारो 2020, है ना? सो कुछ चीज़ें सेम है, कुछ चीजें ऐड की गई है और कुछ चीजों में माइन्यूट छोटी 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 चेंजेस है ना. सो फटाफट पूरा हम लोग डिस्कशन एक बार कर लेते हैं. आर यू गाइस रेडी? यस सर. चलो, सो दोस्तों पहले एकदम आराम से मन लगा के शांति से समझेंगे, मैडम. और प्लस ये सिर्फ और सिर्फ, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जिन बच्चों का सीए इंटर का एग्जाम है वो तो देखेंगे ही, जिन बच्चों का सीए फाइनल का एग्जाम है वो तो देखेंगे ही देखेंगे. प्लस ये लेक्चर किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो बच्चे आर्टिकलशिप कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ना. सो भाई ये सबने देखना बहुत जरूरी है, जिनका एग्जाम May 21 एंड ऑनवर्ड्स है. क्या लिख रहा हूं? May 21 एंड ऑनवर्ड्स जिनका ये एग्जाम होगा उन्होंने देखना है, फाइनल वालों ने भी देखना है, और जिनकी आर्टिकलशिप भी ये चल रही है उन्होंने भी देखना बहुत जरूरी है. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं, है ना. तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ऑर्डर. अभी क्या कहता है भाई? सेम है, एप्लीकेबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं है. इट इज व्हाट द सेम. मैं पुराने में क्या था वो भी अगर यहाँ पे लिख दूं तो यहाँ पे आपके कंपेरिजन के लिए सेम एज कारो 2016. क्या लिख देता हूं यहां पे? सेम एज कारो 2016, ठीक है ना? कोई चेंज नहीं है एप्लीकेबिलिटी में, साफ कोई भी चेंजेस नहीं है. क्या कहता है तो भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार एकदम अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है. सो क्या कहते हैं बच्चों? इट शल अप्लाई टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी एक्सेप्ट, बराबर. तो अपन ने क्या बोला है? ये सारे कंपनीज को एप्लीकेबल है, बराबर. इंक्लूडिंग व्हाट? इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी. इंक्लूडिंग व्हाट? अ फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी कौन सी कंपनी होती है बच्चों? अ कंपनी विच इज क्या बोलेंगे, फॉर्मड एंड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. सो उन फॉरेन कंपनीज को भी एप्लीकेबल होगा, करेक्ट है? रेगुलर क्लास में तो उसको अपन ने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है. सो यहाँ पे अपने को जो देखना है, व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू फोकस अपॉन इज व्हाट द एक्सेप्ट, किसे किसे एप्लीकेबल नहीं है. सो मेरे बच्चों, कारो इज नॉट एप्लीकेबल. अभी अपन क्या बोल रहे हैं? एक्सेप्ट. एक्सेप्ट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? सर, कारो इज नॉट एप्लीकेबल. कारो इज व्हाट? नॉट एप्लीकेबल. किसे नॉट एप्लीकेबल होगा? सो इसका अपन ने एकदम बेस्ट, एकदम सिंपल मेमोरी टेक्निक बना के रखा है. वो क्या है? वन पर्सन गॉट हिज सैमसंग S8 इंश्योर्ड फ्रॉम अ प्राइवेट बैंक. एकदम सिंपल. इन कंपनीज को कारो एप्लीकेबल नहीं होगा. इन कंपनीज को कारो एप्लीकेबल नहीं होगा. वो कौन सी है? वन पर्सन मतलब वन पर्सन कंपनी, बराबर. सैमसंग मतलब अपन क्या कहेंगे? स्मॉल कंपनी. S8 मतलब क्या कहेंगे? सेक्शन 8 कंपनी. इंश्योर्ड मतलब क्या कहेंगे? इंश्योरेंस कंपनी. प्राइवेट मतलब कहेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. और बैंक मतलब कहेंगे बैंकिंग कंपनी. सिंपल, है ना? चलिए बोलो. सो मेमोरी टेक्निक क्या है इसका?
One person got his Samsung S8 insured from a private bank. So, कौन सी companies आती है मेरे बच्चों? एक बार बताएंगे. One person company got his Samsung. Samsung का S मतलब कौन सी company हो गई? Small company. Insured S8 मतलब क्या कहते हैं? S8 मतलब Section 8 company. Insured that is insurance company. प्राइवेट मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड बैंक मतलब बैंकिंग कंपनी. सो इन कंपनीज को माय डियर फ्रेंड्स कारो इज व्हाट नॉट एप्लीकेबल. खत्म हो गई बात. यस, अब इसमें सिंपल सी बातें हैं. बैंकिंग कंपनी नॉट एप्लीकेबल, इंश्योरेंस कंपनी नॉट एप्लीकेबल. इमोशनल होके इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की बात नहीं करने का है ना. बैंकिंग इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी ऐसा करने का नहीं. सो बैंकिंग कंपनी नॉट एप्लीकेबल, इंश्योरेंस कंपनी नॉट एप्लीकेबल. सर वन पर्सन कंपनी नॉट एप्लीकेबल. व्हाट इज द वन पर्सन कंपनी माय डियर फ्रेंड्स? वन पर्सन कंपनी, अ इंडिविजुअल पर्सन कैन ऑल्सो क्रिएट द कंपनी. अब ये तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए. S8 सेक्शन 8 कंपनी, स्मॉल कंपनी, राइट. एंड फिर अब यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन सी कंपनी मेरे बच्चों? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में अभी बातचीत करना. सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जब बात करते हैं तो ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड ही बहुत ज्यादा केस स्टडीज एग्जाम में पूछे जाते हैं. करेक्ट है ना? सो एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के हम लोग समझते हैं. सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? सो बॉस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कारो 2020. करेक्ट है ना? सो कारो 2020 में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी है ना. सो किसे किसे एप्लीकेबल है? सो इट इज एप्लीकेबिलिटी टू ऑल कंपनीज. इट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज, ब्रैकेट में लिखेंगे इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज. इंक्लूडिंग व्हाट? फॉरेन कंपनीज, बराबर. बट इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपन ने देखा वो क्या है? एक्सेप्ट. एक्सेप्ट में क्या क्या आएगा मेरे बच्चों? वन पर्सन, मेमोरी टेक्निक आपको मालूम है. वन पर्सन गॉट हिज सैमसंग, सैमसंग एस एट इंश्योर्ड फ्रॉम अ प्राइवेट बैंक. तो पहले बैंकिंग लिखते हैं और फिर यहां पे आते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे. और जहां पे अपन ने स्टार मार्क लगाया था किसको बच्चों? सो स्टार मार्क लगाया था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे. एकदम आसान है. तो अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए हम लोग को डिस्कशन करना है ना. सो ये डिस्कशन जो है दोस्तों शॉर्ट रखूंगा. जैसे रेगुलर क्लासेस में अपन ने इसको एकदम डिटेल में डिस्कशन कर लिया था अपन ने, है ना. सो ये सेम है तो बस एक रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन क्या कर रहे हैं इसको, अपन इसको थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं. क्लॉजेस पे अपने को ज्यादा समय डालना है ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया, आपको तो पता है. अब आप पूछेंगे सर इसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे? तो स्वप्निल पटनी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आज मैंने ये नोट्स ऑलरेडी शेयर कर दिया हूं मैं, है ना जी. चलिए सो अब अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. सो बॉस एकदम ध्यान से सुनना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक कौन से कंडीशन की. अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं. सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मास्टर कंडीशन की. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मास्टर कंडीशन. एग्जाम में मत लिख के आना मास्टर कंडीशन, ये अपने लिए अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए है मास्टर कंडीशन. करेक्ट है? एंड यहां पे फिर हम लोग लिखेंगे अदर कंडीशंस फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए. मतलब आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर ये मास्टर कंडीशन और अदर कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये मास्टर कंडीशन और अदर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कारो से एग्जेम्पशन मिलेगा. अदरवाइज उन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को कारो एप्लीकेबल हो जाएगा. एकदम आसान सी बात है. यस, सो मास्टर कंडीशन सर क्या कहता है? मास्टर कंडीशन क्या है आइए दोस्तों समझते हैं. सो मास्टर कंडीशन क्या कहते हैं? नॉट बीइंग
नॉट बीइंग द होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी. ये मास्टर कंडीशन है. क्या कहता है? अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बराबर. हैविंग, अब ये जो हैविंग है, ये जो है, ये जो अपने हैं बच्चों, इसको ही अपन ने क्या बोला था, मैंने आपके लिए क्या बोला था, ये अपने लिए अदर कंडीशंस है. बट आप समझने की कोशिश कीजिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए फर्स्ट कंडीशन जो मैटर करती है वो कौन सी मैटर करती है, कि दैट इट शुड नॉट बीइंग अ सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी. मतलब वो पब्लिक कंपनी की ना होल्डिंग होनी चाहिए ना वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होनी चाहिए. मतलब बॉस, वो पवित्र एकदम प्योर सब्सिडरी होनी चाहिए, वो भी प्योर प्राइवेट, सॉरी सब्सिडरी क्या बोलो, प्योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए. आई बात समझ में आपको? मतलब इसके ऊपर ना कोई पब्लिक, नीचे ना कोई पब्लिक, ऐसी प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए. आई बात समझ में? अगर अब आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा, अदर कंडीशंस अगर सेटिस्फाई भी हो जाते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अदर कंडीशंस अगर सेटिस्फाई भी हो जाते हैं, बराबर के नहीं, बट अगर ये मास्टर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, आई बात समझ में, तो कारो उसको एप्लीकेबल होगा क्या? ऑब्वियसली यस सर होगा. मतलब सबसे फर्स्ट चेक पॉइंट अपने को क्या देखना है, द फर्स्ट चेक पॉइंट व्हाट वी हैव टू सी इज दैट दिस कंडीशन शुड बी व्हाट, सेटिस्फाइड. If this is satisfied, then you go ahead and check other conditions. अगर master condition अगर satisfied है, तो आगे जाके other conditions देखो, वरना कोई मतलब नहीं है. आई बात समझ में? Body के अंदर गया ये? Yes, पक्का, sure, perfect है. So not being a holding or subsidiary of a public company. अब बच्चा ये पूछेगा, sir holding company public है? सर होल्डिंग कंपनी पब्लिक है प्राइवेट कंपनी की, बट सब्सिडरी प्राइवेट ही है. सर होल्डिंग प्राइवेट है बट सब्सिडरी पब्लिक है, ऐसा नहीं चलेगा. ऊपर भी पब्लिक नको है, नीचे भी पब्लिक नको है. आई बात समझ में आपको? यस, ओके. अदर कंडीशंस. अब अदर कंडीशंस में मेरा बच्चा, यहाँ पे अपने को तीन कंडीशंस आपको दिखते हैं. तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो ही एग्जेम्पशन मिलेगा. आप फोकस कीजिएगा, तीनों कंडीशंस में क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन के बाद क्या लिखा है एंड, सेकंड कंडीशन के बाद क्या लिखा है एंड. आई बात समझ में? मतलब क्यूमुलेटिवली आपने क्या करना है, इसको भी सेटिस्फाई करना है, इसको भी सेटिस्फाई करना है, इसको भी सेटिस्फाई करना है. मतलब आपने ये होल्डिंग और सब्सिडरी वाला तो सेटिस्फाई करना करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है. बट आपको साथ ही साथ ये नीचे दिए गए तीन कंडीशंस जो है ना, उन तीन कंडीशंस को भी आपने सेटिस्फाई करना है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन तीनों कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन अगर पूरी नहीं होती है, मतलब सेटिस्फाई नहीं होती है, मतलब सर अब मास्टर कंडीशन सेटिस्फाइड है बट इन तीनों कंडीशंस में से सर अगर कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई, तो बच्चा कारो एप्लीकेबल हो जाएगा ना. So, आपको ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है एंड आप, आई बात समझ में आपको? यस. सो चलिए फर्स्ट कंडीशन क्या देखते हैं. फर्स्ट कंडीशन ये देखते हैं, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस नॉट मोर देन ₹1 crore एज ऑन बैलेंस शीट डेट 31 मार्च को. क्या कहता है, क्या कहता है यहां पे, पेड अप शेयर कैपिटल एंड reserves and surplus not exceeding 1 crore as on balance sheet date. ये बहुत important है. क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, as on balance sheet date, मतलब 31 मार्च को जो आपका paid up share capital और reserves and surplus का total होगा, इट शुड नॉट एक्सीड, क्या वर्ड्स लिखे हुए ध्यान से सुनना, इट शुड व्हाट, नॉट मोर देन, मतलब इट शुड बी इक्वल टू और लेस देन 1 crore, इक्वल टू और लेस देन 1 crore चलेगा, नॉट मोर देन 1 crore. मतलब अगर एज ऑन बैलेंस शीट डेट इफ इट गोज मोर देन 1 crore, एज ऑन बैलेंस शीट डेट इफ इट गोज मोर देन 1 crore, बराबर के नहीं, एज ऑन बैलेंस शीट डेट
फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर कारो 2020 विल बी एप्लीकेबल. सिंपल सी बात है एकदम. यस परफेक्ट है. सो यहां पे फर्स्ट कंडीशन पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस नॉट एक्सीडिंग वॉट, नॉट एक्सीडिंग वॉट 1 crore. अब सेकेंड एंड अब बिफोर वी प्रोसीड टू द सेकेंड कंडीशन मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अब देखो सर अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ध्यान से सुनना, अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बराबर है जो सर जिसका पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस डज नॉट एक्सीड 1 crore सर, 1 crore के ऊपर नहीं जाता, बट सर उसकी होल्डिंग कंपनी जो है ना वो पब्लिक कंपनी है सर, उसको कारो एप्लीकेबल होगा क्या? सोचो सोचो सोचो. यस, क्योंकि मास्टर कंडीशन ही फेल हो गया ना सर. अब आई बात समझ में आपको. पहले आपको देखना है केस स्टडी जब आपको एग्जाम में भी आएगा ना, आपको बच्चा क्या देखना है पहले कि पहले मास्टर कंडीशन भाई देखो ऊपर और नीचे कहीं पब्लिक नहीं है ना, नहीं है ना तो कारो नॉट एप्लीकेबल. बट वेट, आगे अदर कंडीशन देखना है. फिर आपको चेक पॉइंट क्या देखना है कि अच्छा इसका पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस शुड बी लेस देन 1 crore, दैट इज शुड बी इक्वल टू और लेस देन 1 crore बट नॉट मोर देन 1 crore एज ऑन बैलेंस शीट डेट. ये चेक पॉइंट क्लियर हो गया. फिर आगे बढ़ेंगे सेकेंड कंडीशन क्या देखता है. देखो एकदम सिंपल क्या कहता है, तो सेकेंड कंडीशन कहता है टोटल बोरोइंग्स नॉट एक्सीडिंग 1 crore फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. आगे क्या लिखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. तो सेकेंड पॉइंट क्या लिखते हैं बच्चों अपन यहां पे, समरी बनाते हैं इसकी, टोटल बोरोइंग्स किससे, फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉट मोर देन 1 crore. बट आगे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है, एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एट एनी पॉइंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब आपने लोन लिया, रिपे कर दिया, सर बैलेंस शीट डेट पे सर इट इज लेस देन 1 crore, सर कारो एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, सोचना पड़ेगा क्या? नहीं सर, आप समझने की कोशिश कीजिए क्या लिखा है यहां पे, एट एनी पॉइंट ना बच्चा, क्या लिखा है यहां पे, एट एनी पॉइंट. मतलब आपने लोन लिया, आपने रिपे किया, आपने लोन लिया, आपने रिपे किया, रिपे किया, रिपे किया, रिपे करते गए, बैलेंस शीट डेट पे, बैलेंस शीट डेट पे इट इज इक्वल टू व्हाट, 0. बट यहां पे ये जो आपको दिख रहा है ना लाइन, ये जो है 1 crore का. सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जरूरी नहीं है कि बैलेंस शीट डेट पे है वो उत्ता का लोन होना चाहिए. यहां पे क्या कहता है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. आई बात समझ में? मतलब कभी भी, मतलब एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, एक सेकेंड के लिए भी, एक सेकेंड के लिए भी अगर आपने लोन लिया 1 crore के ऊपर गया बस खत्म, आपको कारो एप्लीकेबल हो जाएगा. बट वो लोन आपको सिर्फ और सिर्फ, इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो लोन आपको सिर्फ और सिर्फ कौन से देखने हैं, आपको लोन देखने हैं बैंक से एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी और से नहीं. बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों का मिला के. आई बात समझ में? इसका इंटरप्रिटेशन है दोनों का मिला के, ओके ना. सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहां पे अगर ऐसा सिचुएशन है तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, कारो विल बी व्हाट, एप्लीकेबल. सिंपल सी बात है. सो बोरोइंग्स का भी लिमिट कितना है, 1 crore, बट स्पेसिफिकली किससे लेना है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सर अगर बोरोइंग डायरेक्टर से लिया गया है, सर बोरोइंग कोई रिलेटेड पार्टी से लिया गया है, सर बोरोइंग कोई सब्सिडरी कंपनी से लिया गया है, सर बोरोइंग कोई होल्डिंग कंपनी से लिया गया है, तो सर वो हम लोग कंसिडर करेंगे क्या? तो आंसर इज नो. स्ट्रिक्टली फॉर द पर्पज ऑफ कारो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कंसिडर करेंगे, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. आई बात समझ में आपको? परफेक्ट है एकदम. जी सर, आगे बढ़े बच्चों. यस, एंड लास्ट में क्या कहता है, टोटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्डिंग्स ध्यान में रखना, टोटल रेवेन्यू क्या कहता है यहां पे, टोटल रेवेन्यू एज डिस्क्लोज्ड इन व्हाट, शेड्यूल 3. सो यहां पे अब आता है टोटल रेवेन्यू, टर्नओवर नहीं है, टर्नओवर नहीं बोला है, वर्डिंग्स क्या यूज करिए, रेवेन्यू यूज किया हुआ है. सो टोटल रेवेन्यू एज डिस्क्लोज्ड इन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, बराबर. So, वो हम लोग को लेना है टोटल रेवेन्यू एज डिस्क्लोज्ड कहां पे, कहां पे डिस्क्लोज्ड, एज डिस्क्लोज्ड इन वेयर, शेड्यूल 3. बट आगे एक बहुत भारी चीज लिखी है,
आगे एक बहुत जोरदार चीज लिखी है, वो क्या लिखी है जरा आप देखो, बताओ मुझे क्या लिखा, मैं हाईलाइट करता हूं। इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, क्या लिखा है, इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, मतलब आपने कोई ऑपरेशन डिसकंटिन्यू कर लिया है, अब आपका वो बिजनेस नहीं रहा, बट कुछ समय तक उस साल में कुछ तो पैसा आया ना आपको, तो वो भी आपने जोड़ना है बराबर। और टोटल रेवेन्यू में हम लोग क्या कहते हैं, आपको तो पता ही होगा, टोटल रेवेन्यू में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं टर्नओवर प्लस हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं अदर इनकम, दैट इज इनडायरेक्ट इनकम। तो ये दो चीजें हम लोग तो ऐड करते हैं ना बॉस, सो टर्नओवर भी आएगा और अदर इनकम भी आएगा। और यहाँ पे क्या कहता है, टोटल रेवेन्यू नॉट एक्सीडिंग कितना, 10 CR, अमाउंट्स भी ध्यान में रखने के लिए सिंपल है, 1 CR 1 CR एंड 10 CR, आई बात समझ में। और अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब क्यूमुलेटिव, ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अपना बनता है इट इज ड्यूरिंग द ईयर, सो क्यूमुलेटिव जो आपका टर्नओवर बनता है बराबर, डे इन डे आउट जो आपका टर्नओवर बनता है इकट्ठा कुल मिला के जो आपका टर्नओवर है वो आपका 10 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, आई बात समझ में आपको। सो अगर जब कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये मास्टर कंडीशन प्लस अदर कंडीशंस को अगर पूरा कर लेती है, मास्टर कंडीशंस प्लस ये कोई अदर कंडीशन जो 3 दिए गए हैं उनको अगर पूरा करती है तो ही उन्हें क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, तो ही उन्हें कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज कारो विल बी एप्लीकेबल, आई बात समझ में। एनीवन एनी क्वेरी बताओ, एकदम सिंपल है, परफेक्ट एकदम। सो क्या कहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इससे रिलेटेड बहुत सारे केस स्टडीज आपको आएंगे, ट्रू और फॉल्स में कभी पूछ सकते हैं इंटर वालों के लिए, या आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है ना, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट कारो, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट कारोस एप्लीकेबिलिटी है ना। तो क्या बोलते हैं, एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, एक्सेप्ट क्या क्या है इसके अंदर, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए बच्चों क्या बोला, मास्टर कंडीशन ये है कि बाबा इट शुड नॉट बी व्हाट द होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। अदर कंडीशंस क्या कहते हैं इसके बारे में मेरे बच्चों, अदर कंडीशंस ये है कि पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स इन सरप्लस शुड नॉट एक्सीड 1 CR, टोटल बोरोइंग्स फ्रॉम एनी बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड नॉट एक्सीड 1 CR एंड टोटल रेवेन्यू शुड नॉट एक्सीड व्हाट, 10 CR, एकदम सिंपल सी बात है, परफेक्ट है। टोटल रेवेन्यू के अंदर हम लोग टर्नओवर और अदर इनकम दोनों हम लोग ऐड करते हैं, एकदम ही आसान था यहाँ पे सर जी बराबर, यस। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना, यहां पे आता है, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटी सी बात है बट बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनना। यहां पे क्या कहते हैं, प्रोवाइडेड दैट ऑर्डर शैल नॉट अप्लाई टू ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट क्लॉज 21 ऑफ द पैराग्राफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज न्यू, this is something new what we have to study in Karo 2020। ab dekhiye ab baat samajhte hain ekdam acche se, focus karna, jab hum log baat karte hain na financial statements ki, kiski baat karte hain hum log, financial statements ki baat karte hain, focus kariyega, when we talk about financial statements there are two types of financial statements my dear friends, focus, one what we talk about is stand alone financial statements, kaun se hai, stand alone financial statements, and second we are talking about is consolidated financial statements, second kiski baat kar rahe hain apan, second we are talking about is consolidated financial statements, okay, bahut cool। so ab baat kya hai na, standalone financial statements ko karo applicable hai subject to what we studied to the applicability,
एकदम सही बात है ना, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो कारो एप्लीकेबल है, मतलब जो एक कंपनी इंडिविजुअल जिसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं उसके हिसाब से कारो के पॉइंट्स को तो अपने को रिपोर्ट करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पे ये सिंपल है, कारो 2020 इसको क्या बोलेंगे, इसको कारो 2020 इज वॉट एप्लीकेबल। अब कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, व्हेन अ कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडरीज द कंपनी अलोंग विद इट्स ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल प्रिपेयर व्हाट द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब क्या है कि होल्डिंग कंपनी जो है, अब व्हाट इज सीएफएस आप समझने की कोशिश कीजिएगा, होल्डिंग कंपनी है ये अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाएगा, प्लस इस होल्डिंग कंपनी के क्या होंगे, इस होल्डिंग कंपनी के अपनी अलग अलग सब्सिडरीज होंगी, इस होल्डिंग कंपनी के अपनी अलग अलग सब्सिडरीज होंगी, ये सब्सिडरीज भी अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपने अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा। सो होल्डिंग अपना अपना बनाएगा, सब्सिडरी अपना अपना बनाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है, होल्डिंग प्लस सब्सिडरीज मिला के, बच्चा होल्डिंग प्लस सब्सिडरीज मिला के जो होल्डिंग कंपनी है ना, होल्डिंग कंपनी क्या करेगा मेरा दोस्त, होल्डिंग कंपनी इन सब का मिला के एक ग्रुप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको अपन क्या नाम देते हैं, उसको अपन नाम देते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोई डिफिकल्टी यहां तक आपको, कोई क्वेरी आपको यहां तक नहीं, एकदम आसान है, राइट डन। अब क्या होता है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कारो एप्लीकेबल है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो क्या बोलता है, कारो 2020 इज नॉट एप्लीकेबल। और ये सेम कारो 2016 में भी था, बट अब इसके अंदर कहानी में ट्विस्ट क्या है, सिर्फ इसको एकदम ध्यान से सुनना, इसको सिर्फ क्लॉज 21 एप्लीकेबल है, इसको सिर्फ क्या एप्लीकेबल है, इसको सिर्फ और सिर्फ क्लॉज 21 एप्लीकेबल है। कौन सा एप्लीकेबल है, 21 क्लॉज है कारो 2020 में, कारो 2020 में कितने क्लॉजेस है बॉस, कितने क्लॉजेस है, 21 क्लॉजेस है कारो 2020 में, कितने क्लॉजेस है, 21 क्लॉजेस है। सो सीएफएस को सिर्फ और सिर्फ क्लॉज 21 एप्लीकेबल, जब मैं पढ़ाऊंगा उसको उस पे देखेंगे, चर्चा करेंगे, बट दिस इज व्हाट इज द वेरी डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट एज कंपेयर टू कारो 2016। कारो 2016 में सिंपली बोला था सीएफएस को कारो एप्लीकेबल नहीं है, नो डाउट कारो 2020 में भी लिखा हुआ है सीएफएस कारो सीएफएस को एप्लीकेबल नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ एक क्लॉज, क्लॉज नंबर 21 ये एप्लीकेबल है। आई बात समझ में आपको, जी सर, एक्सेप्ट क्लॉज 21 ऑफ द पैराग्राफ। सो अब अपन बात करते हैं मैटर्स टू बी इंक्लूडेड, अब अपन चर्चा करते हैं किसके बारे में, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड में। So, अब यहां पे मैटर्स टू बी इंक्लूडेड में अब अपना लंबा जो लिस्ट है 21 क्लॉजेस का, ये यहां पे अपना शुरू हो जाता है। आई बात समझ में, सो ये यहां पे अपने क्लॉजेस शुरू हो जाते हैं। सो गाइस, यहां से अब अपन अपना कामकाज शुरू करते हैं, क्लॉजेस की बात करेंगे। कुछ क्लॉजेस एकदम सेम है, कुछ क्लॉजेस एकदम सेम है, कुछ क्लॉजेस सेम है उनमें मॉडिफिकेशन किए गए हैं, और कुछ क्लॉजेस ऑल टुगेदर नए हैं। कोई टेंशन नहीं है, एकदम आराम से एक एक क्लॉज को अपन डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, एकदम सिंपल है, बर्डन नहीं करने का भी। अब क्या होता है, यहां पे आप समझो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कारो 2020 एप्लीकेबल है, और यहां पे क्लॉज 21 एप्लीकेबल ऑफ कारो 2020, बस इतना ही है ना। अब क्या होगा, कहानी क्या है सर, कारो एप्लीकेबल होने से होगा क्या, आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे लेके जाते हैं। अब क्या होता है कि यहां पे ये एक कंपनी है, फोकस करिएगा दोस्तों, यहां पे ये एक कौन है, ये कंपनी है, यहां पे ये इस कंपनी का कौन है, ऑडिटर है, बराबर। इस ऑडिटर के ऊपर अंडर सेक्शन 143(11) ड्यूटी लगाई गई है कि अगर इस कंपनी को कारो
2020 अगर एप्लीकेबल है, अगर इस कंपनी को कारो 2020 अगर एप्लीकेबल है, तो ये जो ऑडिटर है इस कंपनी का जो ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा ना, जो ऑडिटर है ना वो क्या करेगा, इस कंपनी का फोकस करिएगा, जो ऑडिटर है वो क्या करेगा, ये जो वो ऑडिट रिपोर्ट बना रहा है ना, क्या बना रहा है, उस कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट जो बना रहा है ना, इस ऑडिट रिपोर्ट में वो ये 21 क्लॉजेस के ऊपर भी रिपोर्ट देगा। दिस इज व्हाट इज कारो, मतलब ऑल इन ऑल, मतलब पहले देखने का कि उस कंपनी को कारो एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर इस कंपनी को कारो एप्लीकेबल है तो उस कंपनी का ऑडिटर उसके ऑडिट रिपोर्ट में ये जो 21 क्लॉजेस है उन 21 क्लॉजेस के ऊपर क्या करेगा, रिपोर्ट देगा। समझी क्या बात आपको? तो ये सर 21 क्लॉजेस कौन से है, तो बॉस ये अपन अभी यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, ये अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं कि ये 21 क्लॉजेस के ऊपर रिपोर्ट करना है। तो कहानी एकदम सिंपल है, पहले चेक करने का कि उस कंपनी को कारो एप्लीकेबल है या नहीं है। क्लियर एकदम? यस सर। अगर उस कंपनी को कारो एप्लीकेबल है तो उस कंपनी के ऑडिटर ने अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो कारो 2020 में 21 क्लॉजेस दिए गए हैं उसके ऊपर रिपोर्टिंग करने का है। सिंपल है। तो किसके ऊपर रिपोर्टिंग करना है, बस अपने को देखना है क्या है, क्या बोला है, और अपने को उसके जवाब अपने को देने हैं। सिंपल सी बात है, परफेक्ट एकदम। यस, वेरी गुड। सो चलिए, फर्स्ट क्लॉज अपन देखते हैं किसके बारे में बात करता है। सो फर्स्ट क्लॉज माय डियर फ्रेंड्स वी टॉक अबाउट इज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। कारो 2016 में उसको हम लोग कहते थे फिक्स्ड एसेट्स। क्या बोलते थे उसको अपन बच्चों? फिक्स्ड एसेट्स। अब यहां पे उसको इंड एस के इन लाइन लेके आना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के इन लाइन लेके आना, उसके लिए अब फिक्स्ड एसेट्स को हटा के, अब जैसे अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 10 है वो अब फिक्स्ड एसेट नहीं, अब क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं। तो उसको उस लाइन में लेके आने के लिए अब वर्डिंग्स यहां पे चेंज कर दी गई, और वर्डिंग्स अब यहां पे क्या बोल दिया गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आई बात समझ में? एंड दूसरा तो वो इंटेंजिबल एसेट जैसा है वो तो है ही, बराबर, ये ऐड किया गया है। सो यहां पे फर्स्ट पॉइंट अपन क्या देखते हैं इन रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी, एकदम सिंपल है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेशन में फर्स्ट पॉइंट अपने को क्या देखना है, मतलब ये 21 क्लॉजेस में का फर्स्ट क्लॉज है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों अभी। सो फर्स्ट पॉइंट अपन क्या देखते हैं, रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रिकॉर्ड्स की। सो रिकॉर्ड्स में हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट कि वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स, बराबर, मतलब वो सही रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब बॉस वो रिकॉर्ड्स किससे रिलेटेड, वो चाहे वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड हो या इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड हो, आपने क्या करना है, आपने उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन करने हैं। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। फुल पर्टिकुलर्स क्वांटिटेटिव डिटेल्स आपको देने हैं, सिचुएशन देना है कि वो कितना क्वांटिटी है अपने पास, कहां लोकेटेड है, बराबर, सारे पर्टिकुलर्स आपको देने हैं। क्या कहना है अपने को, यहां पे अपने को इसका इंक्लूडिंग व्हाट, फुल पर्टिकुलर्स में क्वांटिटेटिव डिटेल्स आएंगे उसके, और उसके सिचुएशन, मतलब वो सिचुएशन मतलब क्या कहेंगे उसका, उसका लोकेशन कि वेयर इट इज बीन सिचुएटेड, वेयर इट इज व्हाट लोकेटेड। आई बात समझ में आपको? सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि बाबा प्रॉपर रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन करें या नहीं करें। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, और सेकंड पॉइंट पे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन। तो क्या कहेंगे कि अपने को चेक करना है कि वेदर दिस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैव बीन फिजिकली वेरीफाइड नॉट बाय अस बट बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल्स, कि क्या मैनेजमेंट समय समय पे उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करती है या नहीं करती है। अब फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब क्या कहते हैं मेरे बच्चों, फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब सिंपल है बॉस,
कि बाबा जो रिकॉर्ड्स में अपने को दिया गया है कि ये पर्टिकुलर एसेट मतलब फैंस इतने क्वांटिटी है, बेंचेस इतने क्वांटिटी है, चेयर्स इतनी क्वांटिटी है, प्रोजेक्टर्स इतना है, लैपटॉप्स इतने हैं, रॉ मटेरियल इतना है, बुक्स इतने हैं, मैं अपने क्लास का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसका क्वांटिटी और उसका सिचुएशन डिस्क्रिप्शन सब कुछ दिया गया है। मैनेजमेंट ने जितना ऑन बुक्स अपने को दिखा है, ऑन रिकॉर्ड जितना दिख रहा है, एक्चुअल में वहां जाके चेक करना है कि सही में उतना स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है। सो इट शुड बी डन बाय द मैनेजमेंट, अपन ने नहीं, ये किसने करना है? मैनेजमेंट। आई बात समझ में आपको? बोलो यस और नो। यस। एंड अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि एंड एट रीजनेबल इंटरवल्स। क्लियर है एकदम बात? बोलो बच्चों, यहां तक कोई डिफिकल्टी है आपको? एट रीजनेबल इंटरवल्स। तो अब यहां पे ये फर्स्ट टू पॉइंट्स आप पढ़ो जरा, चलो फटाफट पढ़िए इसको। पढ़ लिया फटाफट। सो फिजिकल वेरिफिकेशन। अब फिर क्या कहता है? अब फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद अब क्या कहता है? Whether any material discrepancy were noticed on such verification and whether it has been properly dealt with in the books of accounts. Simple है एकदम। अगर आपको कहीं पे भी कोई material discrepancy आपको मिलती है, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी material discrepancy मिलती है, whether these property, plant and equipment जो management verify करता है, उसमें अगर उन्हें कोई discrepancy नहीं, क्या बोलते हैं अपन यहां पे, नॉट जस्ट डिस्क्रिपेंसी बट व्हाट अ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी, करेक्ट है ना, दैट कैन अफेक्ट द डिसीजंस। मटेरियल डिस्क्रिपेंसी अगर नोटिस किया गया है तो उस डिस्क्रिपेंसी को रिजॉल्व करने के लिए क्या एक्शंस लिए गए हैं मैनेजमेंट द्वारा, वो अपने को बताना है। आई बात समझ में? ये पॉइंट एकदम सिंपल है, पहले भी था अभी भी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? टाइटल डीड्स। बच्चों ये फर्स्ट क्लॉज में ही अपने को सब पॉइंट्स है जिसके अपने को रिपोर्टिंग करना है। टाइटल डीड्स में क्या कहता है? वेदर द टाइटल डीड्स मतलब द ओनरशिप डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टीज, क्या कहता है? ऑफ ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टीज, किसकी बात कर रहे हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टीज अदर देन प्रॉपर्टीज वेयर द कंपनी इज द लेसी एंड द लीज अग्रीमेंट्स आर ड्यूली एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ द लेसी। मतलब लीज प्रॉपर्टीज की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इमूवेबल प्रॉपर्टीज की। डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रूली हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी इफ नॉट प्रोवाइड द डिटेल्स देयर ऑफ। मतलब क्या कहता है कि टाइटल डीड्स आपको क्या चाहिए? टाइटल डीड्स ऑफ ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टीज, बराबर जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिख रहे हैं, बराबर disclosed in the financial statements are in the name of the company, वो कंपनी के नाम पे ही होने चाहिए। मतलब जो भी कोई एसेट, देखो लीज की एसेट छोड़ के, जो भी कोई एसेट अगर वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही है, तो भाई साहब आपने उसका टाइटल डीड देखना है कि सही में वो कंपनी के नाम पे है या नहीं है। डिफरेंस क्या कर दिया इन्होंने यहाँ पे? इन्होंने यहाँ पे एक टेबल दे दिया है, एक टेबुलर फॉर्मेट में दिया है, इंडिकेट जैसे अपने को रिपोर्ट करना है। डिस्क्रिप्शन, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, हेल्ड इन द नेम ऑफ, वेदर प्रोमोटर डायरेक्टर, पीरियड हेल्ड एंड रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, आल्सो इंडिकेट इफ इन केस ऑफ डिस्प्यूट। आई बात समझ में? सो ये एक सिंपल पॉइंट है अपना। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में फर्स्ट थ्री पॉइंट्स कौन से हो गए बच्चों बताइए? नंबर वन रिकॉर्ड्स, एकदम सिंपल है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। सेकंड फिजिकल वेरिफिकेशन बाय मैनेजमेंट, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी हाउ इट हैज बीन डेल्ट विद। थर्ड टाइटल डीड्स की बात करेंगे इन केस ऑफ व्हाट, इमूवेबल प्रॉपर्टीज। फिर अपन बात करते हैं रिवैल्यूएशन, बराबर रिवैल्यूएशन की बात करेंगे, वेदर द कंपनी हैज रिवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी, बराबर प्लांट एंड इक्विपमेंट और इनटेंजिबल एसेट्स और बोथ ड्यूरिंग द ईयर। और अगर किया है, अगर पहले तो क्या कहना है, पहले तो क्या बोलेंगे भाई साहब पहले रिवैल्यूएशन किया क्या? दो बातें होगी, रिवैल्यूएशन किया या नहीं किया, अगर किया तो, बराबर तो क्या वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कराया गया। फिर आपको बताना है कि अमाउंट ऑफ चेंज, कि कितना अमाउंट ऑफ चेंज हुआ, अगर वो 10% से ज्यादा, 10% या 10% से ज्यादा होगा तो, इन रिस्पेक्ट टू ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट। समझो बात को, रिवैल्यूएशन नहीं किया है तो विषय खत्म हो जाता है, टॉपिक क्लोज।
रिवॉल्यूशन नहीं किया, खलास। अपने को रिपोर्ट क्या करना है भाई, रिवॉल्यूशन किया या नहीं किया। अगर रिवॉल्यूशन किया है, इसका जवाब अगर अपना यस हाँ हमने रिवॉल्यूशन किया है, तो सबसे पहले क्या कहना है कि वेदर दिस इज बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। बराबर, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स होते हैं, वो वैल्यूएशन करते हैं, करेक्ट है ना। रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू है क्या नहीं है, पॉइंट नंबर वन। नंबर टू, स्पेसिफाई द अमाउंट। अमाउंट कब बताना है आपको, ओनली इफ, ये इंपॉर्टेंट है, इफ अमाउंट कितने से रिवैल्यू किया, अमाउंट दैट इज बाय हाउ मच, कितने से रिवैल्यूएशन किया, बाय हाउ मच, ये कब बताएंगे आप, ओनली इफ द चेंज इज 10% और मोर। अगर 10% और मोर से ज्यादा चेंज नहीं है तो आपको अमाउंट कितने से हुआ है वो बताने की जरूरत नहीं है। बट 10% और मोर का किसका, इन द एग्रीगेट ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास। एग्रीगेट ऑफ व्हाट, क्या लिखा हुआ है, एग्रीगेट ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब हर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब अगर अपना जो ग्रुप ऑफ एसेट्स, कार्स, मशीनरी, सॉफ्टवेयर्स, अपने को टोटल में नहीं देखना है। अगर मान लो अपना कार्स में का, या कोई भी पर्टिकुलर लैंड की बात करें, लैंड का अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया है, बराबर, और अगर लैंड का अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया है, लैंड एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ एसेट है, बराबर, प्रॉपर्टी लैंड, अगर उसका आपकी वैल्यू थी 1 CR और आपने उसको 1.3 CR पे आपने उसका वैल्यूएशन किया, अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया, डाउनवर्ड भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन अगर आप कर रहे हो, तो अब ये 10% से ज्यादा चेंज है उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ एसेट में, लैंड में, यस है ना, तो अब उस केस में आपको अमाउंट बताना बहुत जरूरी है। क्लियर है एकदम, यस। सो फर्स्ट पॉइंट में माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट में अपन ने क्या देखा, क्या सीखा, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, शांति रखिए। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो फर्स्ट पॉइंट में बच्चा हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, जिसमें हम लोग सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं अबाउट व्हाट, द रिकॉर्ड्स, फिजिकल वेरिफिकेशन, टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। फोर्थ पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट रिवैल्यूएशन, एंड फिफ्थ अब हम लोग बात कर रहे हैं, विच इज व्हाट, वेरी अगेन अ न्यू थिंग, बेनामी प्रॉपर्टी। बेनामी प्रॉपर्टी, पहले आप ये समझ लो व्हाट इज बेनामी प्रॉपर्टी। बेनामी प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि एक सिंपल एग्जाम्पल में अगर आपको देता हूं कि क्या किया मैंने, मैंने है ना, मेरा एक कोई XYZ एम्प्लॉई है, काल्पनिक है एग्जाम्पल, वास्तविक में इसका कोई संबंध नहीं है। सो मेरा एक XYZ एम्प्लॉई है, उसके नाम पे मैंने एक प्रॉपर्टी ली, बराबर, प्रॉपर्टी, इसके प्रॉपर्टी इन हिज नेम, बराबर, जो मेरा XYZ एम्प्लॉई है, मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली, मेरा ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉई है, उसके नाम पे मैंने प्रॉपर्टी ले ली, बराबर। इसका बेनिफिशियरी कौन है, इसका बेनिफिशियरी कौन है, XYZ एम्प्लॉई है क्या, नहीं, इसका बेनिफिशियरी मैं हूं, बट ये प्रॉपर्टी है किसके नाम पे, किसके नाम पे है, XYZ एम्प्लॉई के नाम पे। सो मैं पैसा लगा रहा हूं, मैं खर्च कर रहा हूं, मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं किसी और के नाम पे, मतलब गुमनाम, बेनामी उर्दू वर्ड है जिसका अर्थ है गुमनाम, तो जिसका रियल ओनर पता नहीं, रियल ओनर मतलब, रियल ओनर कोई, मतलब कोई और है, मतलब बेनिफिशियरी कोई और है, ऐसा, मतलब पैसा लगा रहा कोई और है, बेनिफिशियरी मतलब जो पैसा लगा रहा है, जो बेनिफिशियरी वो मैं हूं, वो है किसी और के नाम पे। इन प्रॉपर्टीज को अपन क्या कहते हैं, बेनामी प्रॉपर्टी। ये लोग क्यों करते हैं सर ऐसा, अपना ब्लैक पैसा कहीं ना कहीं तो भी लगाना पड़ेगा ना, घर पे बैठ के वो पैसा कुछ अपने को इंटरेस्ट तो दे नहीं रहा है, कुछ अप्रिसिएशन तो नहीं हो रहा है, अब वो पैसा लगाए तो कहां लगाए, अपने नाम पे लगा दे तो इनकम टैक्स वाले पकड़ लेंगे क्योंकि वो ब्लैक पैसा है। तो अब उस पैसे को डिस्पोज ऑफ करने के लिए लोग क्या करते हैं, तेरे प्रॉपर्टी इसके नाम पे, उसके नाम पे, उसके नाम पे, ऐसे करते हैं, रियल बेनिफिशियरी अपन है बट लेते हैं, कल चल के बेचेंगे तो पैसा अपने को मिलेगा, वो एम्प्लॉय को नहीं मिलने वाला है, ऐसा बेनामी प्रॉपर्टी। सो यहां पे क्या कहते हैं कि एनी प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड और पेंडिंग
अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी अंडर द बेनामी ट्रांजेक्शन एंड रूल्स मेड देयर अंडर एंड वेदर दे हैव बीन अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज इन द डिटेल्स डिस्क्लोज द डिटेल्स इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आई बात समझ में आपको? सो अगर कंपनी कोई, आई बात समझ में, वेदर कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी, कंपनी कोई होल्ड कर रहा है क्या? किसी के लिए मैं होल्ड कर रहा हूं, मतलब बेनिफिशियरी कंपनी नहीं है, बट मैं किसी के लिए होल्ड कर रहा हूं मेरे नाम पे, किसी और के लिए है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? अगर कोई प्रोसीडिंग्स या अगर कोई पेंडिंग केस अगर चल रहा है अंडर बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988, तो उस केस में आपको वो प्रॉपर डिस्क्लोजर देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, और वो दिया है क्या नहीं दिया है ये अपने को चेक करना है. दैट्स ऑल माय लॉर्ड. यहां पे अपना मेरे बच्चों क्या खत्म हो जाता है, यहां पे अपना कारो के 21 क्लॉजेस में का फर्स्ट क्लॉज यहां पे खत्म होता है, विच इज इन रिस्पेक्ट टू व्हाट? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. सिंपल सी बात है एकदम. यस, परफेक्ट है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज द इन्वेंट्री. फर्स्ट रिकॉर्ड्स, सॉरी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सेकेंड अभी अपन बात कर रहे हैं इन्वेंट्री. ये वाला पॉइंट तो सेम ही है. फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी हैज बीन कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल्स बाय मैनेजमेंट एंड वेदर इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर द कवरेज एंड द प्रोसीजर ऑफ वेरिफिकेशन इज अप्रोप्रिएट. बाबा बराबर से आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया या नहीं किया. यहां पे अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट आता है, वो क्या है? वेदर एनी डिस्क्रिपेंसीज ऑफ 10% और मोर in aggregate of each class of inventory were noticed and if so whether it has been properly dealt by. aap samajhne ki koshish kijiye karo 2016 ke andar inventory ko leke, karo 2016 mein inventory ko leke bhi same point tha, but yahan pe aur wahan pe difference kya hai? ye 10% or more ka hai. pehle udhar karo 2016 mein likha gaya tha कि whether any material discrepancy is there or no, and if material discrepancy is there, how it has been dealt with, जो अपन ने अभी property plant and equipment में पढ़ा था. but inventory के केस में यहाँ पे मेरे बच्चों 10% और more वाला क्राइटेरिया उन्होंने लगा दिया. आई बात समझ में? तो आपको follow up action, करेक्टिव एक्शन लिया गया है या नहीं लिया गया है, ये आपको कब देखना है? जब डिस्क्रिपेंसी 10% या 10% से ज्यादा होगी तो ही. दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. छोटा है बट बहुत ही धमाकेदार है. आगे वर्किंग कैपिटल, इसमें सेकंड पॉइंट, इन्वेंटरी का सेकंड पॉइंट. अब देखो जैसे अपन वर्किंग कैपिटल की जब बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं? वर्किंग कैपिटल की. तो मोस्टली क्या होता है ना, अपन अपना स्टॉक गिरवी रखते हैं बैंक के पास, और फिर उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? अपना वर्किंग कैपिटल फाइनेंस अपन लेते हैं. अपना जो कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो अपन लेते हैं ना, तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस वो हम लोग स्टॉक को प्लेज करते हैं. यहाँ पे क्या करना है कि वेदर ड्यूरिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अगेन द वर्ड क्या लिखा हुआ है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द ईयर द कंपनी हैज सैंक्शनड sanctioned working capital limits in excess of 5 crores in aggregate from banks or financial institutions on the basis of security of current assets. आई बात समझ में? पहले क्या चेक करना है? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कहीं 5 करोड़ के ऊपर का अगर आपको होगा, तो यहां पर यह क्लॉज कब एक्टिवेट होगा? 5 करोड़ का. बट इंपॉर्टेंट क्या है? 5 करोड़ का क्या यूटिलाइजेशन और 5 करोड़ का सैंक्शन. सैंक्शन, तुमने एक्चुअल में उतना लोन उठाया या नहीं उठाया मैटर नहीं करता, तुमने एक्चुअल में उतना लोन उठाया या नहीं उठाया मैटर नहीं करता. मैटर करता है कि आपको उतना सैंक्शन हुआ है क्या. सैंक्शन लिमिट अपन देख रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा वाली, इन एक्स इक्वल टू नहीं, इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ इन एग्रीगेट. और अब बाद में ये भी आप समझ लो, इधर क्या लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट. अगर आपने करंट एसेट का सिक्योरिटी नहीं दिया है
तो फिर ये क्लॉज का कोई मतलब जो सेकंड क्लॉज का बी वाला पार्ट है सब क्लॉज बी कोई मायने नहीं रखता। तो वर्किंग कैपिटल में रिपोर्टिंग करने का क्या है, इन्वेंट्री में वर्किंग कैपिटल वाला रिपोर्टिंग कंडीशन कब एक्टिवेट होगा कि साल में कभी भी यदि आपको 5 करोड़ से ज्यादा का वर्किंग कैपिटल यदि पॉइंट नंबर वन सैंक्शन हुआ है, नंबर टू वो सिक्योरिटी के बेसिस पे है, वो सिक्योरिटी करंट एसेट्स है, तो आगे बढ़ते हैं भैया है ये सब। अब बोलो करना क्या है, नहीं है ना, अरे है सैंक्शन हुआ है 5 करोड़ से ज्यादा, अरे हो करंट एसेट का सिक्योरिटी दिया है, करने का क्या है बाबू। तो भाई सुन, इस केस में वो क्या कहता है कि क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स हैव बीन फाइल्ड बाय द कंपनी विद सच बैंक्स, फाइल्ड बाय कंपनी विद सच बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इन अग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी इफ नॉट गिव डिटेल्स। देखो जब ऐसा बड़ा लोन दिया जाता है ना तो कंपनी के ऊपर रिक्वायरमेंट होती है कि बैंक्स को वो क्वार्टरली स्टेटमेंट दे करके कि बाबा इतना इतना हमारा स्टॉक अवेलेबल है, क्वार्टरली स्टेटमेंट देने का है। अपन ने क्या चेक करना है कि वो जो स्टेटमेंट बैंक को सबमिट किया और जो अपने बुक्स में पोजीशन दिख रही है वो दोनों टैली करती है या नहीं करती है, और अगर नहीं करती है तो आपने उसकी डिटेल्स दे देने हैं। सिंपल, सेकंड क्लॉज ओवर। कॉन्फिडेंस है इसमें, एकदम सही है, यस सर। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्लॉज। थर्ड क्लॉज अपन चर्चा करते हैं अबाउट व्हाट, लोन्स। ध्यान से सुनिएगा लोन्स की, अब जब बात करते हैं फिर देखिए लोन्स में इतना डिस्कशन करना है भाई। लोन्स में 6 पॉइंट है, कारो 2020 ले मजे करो एंजॉय, कोई नहीं बहुत ही आसान है, चलो डिस्कस करते हैं एकदम आराम से, ध्यान से है, सिंपल है पॉइंट, फोकस करिएगा। लोन्स की बात करते हैं अभी। सो लोन्स वेदर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज मेड, मतलब यहां पे हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, लोन्स गिवन की। अब बट सिर्फ लोन्स की बात नहीं है, यहां पे क्या लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट है ये पहले नहीं था कारो 2016 में, अब आया है इन्वेस्टमेंट्स। सो फोकस करिएगा, हैज मेड एनी इन्वेस्टमेंट्स, ये प्रिजुडिशियल के ऊपर ध्यान देना, एकदम सिंपल है कि वेदर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज मेड इन्वेस्टमेंट्स, कहीं इन्वेस्टमेंट किया है क्या, यहां कहीं गारंटी दी है क्या, यहां कहीं सिक्योरिटी दी है क्या। बराबर, तुमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है क्या, तुमने कहीं गारंटी दी है क्या, तुमने कहीं सिक्योरिटी दी है क्या, या तुमने कहीं एक्चुअल में लोन या एडवांस दिया है क्या। बराबर, सो एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स, फिर चाहे वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, टू द कंपनीज, फर्म्स, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और एनी अदर पार्टीज। एक्टिवेट कब होना है ये थर्ड वाला पॉइंट, लोन्स वाला थर्ड वाला पॉइंट एक्टिवेट कब होना है भाई। देखिए कि यदि आपने इन्वेस्टमेंट मतलब आपने क्या पैसा निवेश किया है, आपने शेयर्स में आपने पैसा लगाया है, उस कंपनी के बॉन्ड्स में आपने पैसा लगाया है, तो इफ यू हैव मेड एनी व्हाट इन्वेस्टमेंट, तो या तो दूसरा क्या कहता है, आपने किसी थर्ड पार्टी के लिए गारंटी दिया है या सिक्योरिटी दिया है या लोन या एडवांस दिया है किसी कंपनी, फर्म, एलएलपी को, किसी को भी दिया है आपने। आप फोकस करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, क्या आपने इन्वेस्टमेंट किया है। मैं दो चार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये बॉडी के अंदर जाना बहुत जरूरी है। एक तो आपने देखो इनमें इनमें यदि आपने कोई भी कंपनी में, फर्म में, एलएलपी में और एनी अदर पार्टी कोई भी, क्या उसमें आपने पैसा लगाया है, क्या आपने उन्हें गारंटी दी है, क्या आपने कोई सिक्योरिटी दी है, उन्होंने जो लोन लिया उसके अगेंस्ट आपने कोई सिक्योरिटी ली है दी है, या आपने खुद से ही उनको लोन दे दिया है या एडवांस दे दिया है जो लोन के हिसाब से है। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड फर्क नहीं पड़ता है, बराबर के नहीं। और अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो फिर आगे बढ़ते
आई बात समझ में आपको? क्लॉज एक्टिवेट कब होता है मैं आपके लिए लिखता हूं। ये अपनी कंपनी है, इसने ये कोई दूसरी कंपनी फर्म LLP एनी अदर पार्टी इनमें यदि इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी लोन्स एडवांसेस इन नेचर ऑफ लोन। अगर अपनी कंपनी है इन पार्टीज को इनमें से कुछ भी अगर किया है ऐसा है ना, ऐसा कुछ भी अगर किया है ऐसा, ये इसको बोलते हैं अपन, चलो इसको अपन क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट लोन बोल देते हैं इसको। ये डायरेक्ट लोन और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन, फिर चाहे वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसा अरेंजमेंट यदि हुआ है, अगर ऐसा अरेंजमेंट है ना, अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो अपन आगे बढ़ेंगे। बात पल्ले पड़ी आपको? पक्का पक्का? यस सर। सो क्या कहते हैं, एंड इफ सो, अगर ऐसा है, ऐसा अरेंजमेंट है तो भैया आगे बढ़ना है। इफ सो, नंबर वन सब क्लॉज, वेदर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज प्रोवाइडेड लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स or stood guarantee or provided security to any entity not applicable to the company jiska principal business hai loan dene ka, barabar। to ab iske andar first point kya kehta hai, company has provided loans and or provided advances ya stood guarantee or provided security, isme investment ki baat nahi hui abhi tak, other than investment, aur ye kise applicable nahi hai, not applicable to the companies whose principal business is to give loans, obviously jinka loan dena hi agar ye dhanda hai to bhai ye unke liye applicable hai, reporting kitna lamba ho jayega na, barabar। to apne ko kya karna hai ki agar company ne in koi firms wagere aisa phalana dimkana investment ko chhod ke agar aisa koi loan diya hai, matlab yahan pe sirf aur sirf kiski baat kar rahe hain apan, yahan pe loans advances गारंटी एंड सिक्योरिटी, अगर ऐसा है तो आपने क्या बताना है, एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, बैलेंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन द बैलेंस शीट डेट विद रिस्पेक्ट टू सच लोन्स और एडवांसेस एंड गारंटीज टू सब्सिडीज JV एंड एसोसिएट्स। हैंग हो रहा है? बोलो बोलो। यस सर, टेंशन नहीं, मैं हूं ना। रिवर्स अब यूज करते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इफ सो रिपोर्टिंग, इफ सो कब रिपोर्टिंग एक्टिवेट होगा, अगर सब्सिडरी JV एंड एसोसिएट्स को दिया है तो,
सब्सिडरी एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर में अगर दिया है लोन्स एडवांसेस इन नेचर ऑफ लोन्स गारंटी सिक्योरिटी, तो बच्चा इसका अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन बैलेंस शीट डेट एंड एग्रीगेट अमाउंट कितना दिए थे वो आपको बताना है. ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना एग्रीगेट टोटल अमाउंट आपने साल भर में कितना दिया और 31 मार्च को कितना बाकी है वो आपने बताना है. आई बात समझ में आपको? बराबर. ये फोकस करना फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, टू स्पेसिफिकली इनको कितना दिया है. आई बात समझ में? बोलो बॉस. यस. ये टू बहुत जरूरी, इनको अगर दिया है तो. इसमें देखो, इफ सो इनमें इस पार्टीज में से, इधर लिखे आते हैं इन पार्टीज में से, इन कोई भी पार्टीज में से इनको अगर स्पेसिफिकली दिया है ना, इन पार्टीज में से इनको अगर स्पेसिफिकली दिया है ना, तो अपने को यहां पे A1 रिपोर्ट करना है. आई बात समझ में आपको? सिंपल है. अब दूसरा पढ़ो, बहुत मजा आएगा. एकदम स्लो जाने का बेटा कोई गाई नहीं है अपने को, है ना, रिलैक्स. सेकंड क्या कहता है वापस से, द एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन द बैलेंस शीट डेट विथ रिस्पेक्ट टू सच लोन्स और एडवांसेस एंड गारंटीज और सिक्योरिटीज टू पार्टीज अदर देन सब्सिडरीज जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स. सर कैसा एड़ा बना रहे हमको, ये एड़ा कुछ नहीं है बॉस, तुम समझो. यही रिपोर्ट करने का है, बट अब अदर पार्टीज के. अब आप पूछेंगे सर ये एक ही क्यों नहीं दिया, भैया डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, पता होना चाहिए रिश्तेदारों को कितने दिए हैं और दूसरों को कितना दिया है. आई बात समझ में आपको? हाँ. अब क्लियर है? अब क्लियर है? देखो स्माइल आया कि नहीं आया, ये बात है, ऐसा स्माइलिंग फेस होना चाहिए. सो ये अपना लोन्स में का फर्स्ट जो है ना वो खत्म हो गया, उसके दो पॉइंट थे. अब बात करेंगे किसकी, अब इन्वेस्टमेंट्स मेड. अब ध्यान से देखना वेदर, अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स भी तो था ना रे बच्चा, इन्वेस्टमेंट्स भी तो था कि नहीं था, था ना सर, तो आओ फिर. वेदर इन्वेस्टमेंट्स मेड, गारंटीज प्रोवाइडेड, सिक्योरिटी गिवन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ग्रांट ऑफ ऑल लोन्स एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स एंड गारंटीज आर नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. अब लोन्स यहां पे आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ अपन किसकी बात कर रहे हैं, यहां पे अपन सिर्फ और सिर्फ लोन्स एडवांसेस और गारंटी एंड सिक्योरिटी, सिर्फ इतनी ही बात करें अपन. अब बी वाले पार्ट में क्या कहता है, इसमें इन्वेस्टमेंट्स भी जोड़ो, फिर उसके बाद लोन्स भी जोड़ो, एडवांसेस भी जोड़ो, गारंटी भी जोड़ो. अब वो सब आएगा, गारंटी भी जोड़ो और सिक्योरिटी भी जोड़ो. अब क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस देखना है कि जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपने इन्वेस्टमेंट लोन्स एडवांसेस गारंटीज सिक्योरिटीज जो आपने दिए हैं, दे आर नॉट प्रीजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट. मतलब दे शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, दे शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द कंपनीज इंटरेस्ट. वो कंपनी के फेवर में होना चाहिए, कंपनी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए. दे शुड बी व्हाट, इन द फेवर ऑफ द कंपनी. कैसे होना चाहिए वो मेरा बच्चा, दे शुड बी इन द फेवर ऑफ द कंपनी. तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस की बात होगी. अब सिंपल है, अब ये बेसिक पॉइंट है जो अपन पहले पढ़ते थे. इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट अगर है, तो अगर शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट है तो अपने को रेगुलर पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. आई बात समझ में? और अगर वो मोर देन 90 डेज हो चुका है
बराबर, तो क्या आपने एक्शंस लिए हैं रिकवरी करने के लिए, सिंपल सी बात है एकदम। ये अपना एनपीए वाला जो कॉन्सेप्ट है वो, तो अगर शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट है तो वो क्या आपको समय समय पे पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो क्या वो ओवरड्यू हो चुका है क्या मोर देन 90 डेज, और अगर हाँ तो आपने क्या रीजनेबल स्टेप्स लिए उसको रिकवर करने के लिए। आई बात समझ में? राइट, ये पहले वाले कारो 16 में भी पढ़ा था। फिफ्थ वाला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यू पॉइंट है ये, whether any loan or advance in the nature of loan granted which has fallen due during the year has been renewed or extended or fresh loans granted to settle the overdues of existing loans. Palle nahi padha, dhyan se padho. Whether any loan or advance in the nature of loan granted which has fallen due has been renewed or extended or fresh loans granted टू सेटल द ओवरड्यूज ऑफ एग्जिस्टिंग लोन्स, मतलब आपने जो उनके पुराने लोन थे क्या उनको रिन्यू किया, क्या उन्हें एक्सटेंड किया, या वो लोन चुकाने के लिए आपने उन्हें कोई नया लोन दिया क्या? हाँ, अच्छा स्मार्ट बन रहे हो। इफ सो स्पेसिफाइड द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच ड्यूज रिन्यूड एक्सटेंडेड और सेटल्ड बाय फ्रेश लोन्स। सिर्फ वो नहीं बट डिटेल्स ही नहीं, साथ ही साथ द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट to the total loans in the nature of loans granted during the year, ये भी आपको बताना है कितना परसेंटेज आपने उसे, कितना परसेंट, मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो में 10 लाख का लोन दिया है उसमें का अपन ने सर 1 लाख का अपन ने रिन्यू एक्सटेंड या अपन ने नए लोन दिए हैं पुराने लोन को चुकाने के लिए, तो वो परसेंटेज आपको दिखाना है। दैट इज 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, दैट इज 10%, ऐसा। सो वी हैव टू शो दैट परसेंटेज ऑल्सो, सिंपल है एकदम। यस, अब नेक्स्ट क्या कहता है, लोन्स विच आर रिपेएबल ऑन डिमांड, बराबर, मतलब उसका कोई रिपेमेंट शेड्यूल नहीं है, जब मांगो तब देना है। आई बात समझ में? सो यहां पे क्या कहता है, अगर ऐसा है, इफ देयर आर ग्रांटेड एनी लोन्स ऑन डिमांड, आपको बताना है उसका एग्रीगेट अमाउंट, परसेंटेज टू द टोटल लोन्स, बराबर, ऑल्सो द अमाउंट ग्रांटेड टू द प्रोमोटर्स रिलेटेड पार्टीज एज डिफाइंड इन क्लॉज 76। सिंपल है एकदम। सो एफ वाले पॉइंट में क्या कहता है, लोन्स रिपेएबल ऑन डिमांड, क्लियर एकदम। सो अगर मैं आपके लिए आसान बना दूं, तो यहां पे लोन्स एडवांसेस आपको इसमें क्या बताना है, ए वाले पॉइंट में आपको बताना है अमाउंट, बराबर, ग्रीन कलर से लिखता हूं, आपको यहां पे बताना है अमाउंट और बैलेंस आउटस्टैंडिंग। सेकेंड वाले पॉइंट में आपको देखना है टर्म्स एंड कंडीशंस। थर्ड वाले पॉइंट में आपको देखना है रीपेमेंट, अगर उसका शेड्यूल है तो वो रेगुलर आ रहा नहीं आ रहा। फोर्थ वाले पॉइंट में आपको देखना है 90 डेज वाला क्राइटेरिया। फिफ्थ वाले पॉइंट में आपको देखना है रिन्यू एक्सटेंड या फ्रेश टू क्लोज दी ओल्ड वंस, ठीक है ना, और फ्रेश टू क्लोज दी ओल्ड वंस, एंड फिर उसके बाद यहां पे रिपेबल ऑन डिमांड, ऑन डिमांड वाले लोन्स की बात कर रहे हैं, रिपेबल ऑन डिमांड की। ओके, तो उसमें टोटल कितना क्या है वो आपको बताना है। डन है तो यस। सो ये बात होगी अपनी थर्ड वाले पॉइंट की। फोर्थ, अब आसान पॉइंट है एकदम। फोर्थ वाला पॉइंट जो अपन ने डिस्कस किया था रेगुलर क्लासेस में, बराबर, तो वो ऐसा का ऐसा पॉइंट है फोर्थ वाला, लोन्स इन्वेस्टमेंट्स गारंटी सिक्योरिटी 185 और 186 का आपने प्रोविजंस कंप्लाई किए या नहीं किए। अगर कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रोविजंस है, कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस है, वो आपने फॉलो किए या नहीं किए वो। फिर कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो 148 सबसेक्शन 1 में आपने को मेंटेन करने पड़ते हैं, क्या वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन करे हैं या नहीं करे हैं वो, बराबर। स्टैट्यूटरी ड्यूज में सिर्फ इसके अंदर उन्होंने जीएसटी ऐड किया है। रेगुलर क्लासेस में मैं आपको बोलता भी था जीएसटी, क्योंकि वो 2016 में आया था, जीएसटी 2017 में आया था, तो वो जीएसटी उस समय पे नहीं था, तो अब उन्होंने जीएसटी ऐड कर दिया गया है। पॉइंट वैसा का वैसा सेम टू सेम है, बराबर है, कि वेदर कंपनी इज अगर अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है तो क्या कंपनी उसको समय समय पे अपना
टैक्स जमा कर रही है क्या नहीं, वो आपको बताना है। और अगर नहीं कर रही है तो आपको बताना है कि कितने अमाउंट ऑफ अरियर्स है बराबर, एंड दैट अमाउंट विच इज आउटस्टैंडिंग एज ऑन द बैलेंस शीट डे एंड ओवर ड्यू फॉर मोर देन 6 months। और अगर अनडिस्प्यूटेड है, ये पॉइंट है, डिस्प्यूटेड है तो कहाँ पे डिस्प्यूट है, कितने अमाउंट का डिस्प्यूट है वो आपको बताना है। ये पॉइंट एकदम सिंपल है। तो ये पॉइंट्स तो अपने एज इट इज जो 2016 के थे वैसे के वैसे थे, रेगुलर क्लासेस में तो अपन ने उसको डिटेल में पढ़ ही लिया था। अब न्यू पॉइंट, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। अब देखो क्या होता है ना, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं बराबर, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है और फिर उसके बाद आप एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अब इनकम टैक्स वाले लोग तो बहुत डेंजर है बराबर। अब क्या हुआ, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी आपका फैक्ट्स एंड फिगर्स थे आपने बता दिए, टर्नओवर वगैरह बता दिया, इनकम बता दी, खत्म कर दिया बात। अब हुआ क्या, ये जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं इसके हिसाब से थोड़ी अपने को टैक्स भरना पड़ता है। अपन तो अपना मतलब आप समझ रहे हो ना, आपका जो इनकम कंप्यूटेशन है, ऐसा लिखता इनकम कंप्यूटेशन जो है, एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग होते हैं और इनकम टैक्स के हिसाब से अलग, मतलब रूल्स वगैरह अलग अलग होते हैं। अब होता क्या है ना, कभी कभी टैक्स अपना बचाने के लिए हम लोग इनकम टैक्स में कोई ट्रांजैक्शंस हम लोग नहीं दिखाते, ब्लैक मनी, इनकम आया बट दिखाया नहीं बराबर। तो अब क्या हुआ ना, इनकम टैक्स कभी कभी क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज देता है बराबर, इतनी विलफुल डिस्क्लोजर्स करने के लिए कि अगर आपका काला पैसा आपके पास है आप डिस्क्लोज करो उन्हें बराबर, डिस्क्लोज करोगे तो हम आपको पेनल्टीज माफ कर देंगे और टैक्स आपसे नॉर्मल रेट पे या 50% पे आपसे टैक्स ले लेंगे। आपको ये मौका दिया जाता है तो आप आपकी इनकम जो अनडिस्क्लोज थी उसको आप सरेंडर कर दो। सो अब होता क्या है ना, कभी कभी जो आपने ट्रांजैक्शंस कभी आपने दिखाए नहीं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अब आप क्या करते हो, आप उसको इनकम टैक्स में आप उसे शो करते हो, बट कंपनीज एक्ट के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपके शेड्यूल 3 के हिसाब से बने आपने उनमें कहीं दिखाए नहीं। तो अगर ऐसा कोई अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस है जो इनकम टैक्स के असेसमेंट, इनकम टैक्स के स्क्रूटिनी के दौरान मिले गए थे बराबर, और वो आपने कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाए गए हैं, तो अगर ऐसा कोई है तो अपने को वो दिखाने पड़ेंगे और अपन वही बोलेंगे कि क्या वो प्रॉपरली बुक्स में रिकॉर्ड किए गए हैं या नहीं। इनकम टैक्स कभी कभी क्या करती है, सर्च करता है, रेड मारता है, या फिर कभी कभी स्क्रूटिनी में जब कोई नोटिस निकालते हैं, शो कॉज नोटिस वगैरह भेजता है, तो उस समय पे डिटेल में उसकी जांच पड़ताल होती है और कभी कोई ट्रांजेक्शन सामने निकल आता है स्क्रूटिनी के दौरान, तो उस समय पे ऑब्वियसली उसके ऊपर इनकम टैक्स अपना टैक्स वगैरह तो वसूल लेगा, बट वो आपके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं थे ना। हाँ, तो उसी समय पे आपने कारों में रिपोर्ट करना है कि यदि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन मिला है तो वो अगर अनरिकॉर्डेड है तो क्या वो प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया है या नहीं। आई बात समझ में आपको, सिंपल। अब बात करते हैं रिपेमेंट ऑफ लोन्स की। जैसे अभी तक अपन ने लोन्स गिवन की बात कर रहे थे, अब लोन टेकन में अपने को रीपे करना पड़ता है। सो सिंपल सा पॉइंट है कि क्या आपने कहीं डिफॉल्ट किया है क्या लोन्स के बारे में, और अगर डिफॉल्ट किया है तो आपको ये लेटेस्ट फॉर्मेट दिया गया है इसके बेसिस पे आपने वो डिटेल्स आपने डिस्क्लोज करना है। आई बात समझ में। तो आपको फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो आपने ये फॉर्मेट के अनुसार आपने क्या करना है, डिटेल्स देने हैं आपने। आई बात समझ में, राइट। सेकेंड पॉइंट, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है। Has the company declared willful defaulter by any bank or other financial institution? Repayment of loan की जब बारी आती है तो क्या आप willful defaulter हो क्या? As the case of Vijay Mallya, willful defaulter. मतलब who is called as a willful defaulter? जिसके पास पैसा है but वो पैसा भरना नहीं चाहता है. He has got the money but is not willing to repay the loan of the bank even though he has the money. Those persons are called as what, my dear friends? Willful defaulter. तो क्या आपकी कंपनी विलफुल डिफॉल्टर है क्या, वो देखना है।
थर्ड पॉइंट कहता है एप्लीकेशन ऑफ द लोन, जिस पर्पस के लिए आपने लोन उठाया था, जिस उद्देश्य से आपने लोन उठाया था, द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द लोन वॉज टेकन, हैज इट बिन अप्लाइड फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, एंड इफ नो, अगर डाइवर्ट किया है तो आपने वो रीजंस और उसके पर्पस भी आपने बताना है. आई बात समझ में आपको? फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, वेदर फंड्स रेज्ड ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस. शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपने कोई भी आपने एफडीओडी लिया था, टेम्पररी पर्पस के लिए आपने लोन लिए थे, बट वो लोन्स आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो भाई उसके डिटेल्स आपको देना है. बराबर. फिफ्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या आपने कोई लोन लिया है टू मीट दी ऑब्लिगेशंस ऑफ इट सब्सिडरी. एकदम इंपॉर्टेंट है, आपने किसी से, कोई भी एंटिटी पर्सन से आपने लोन लिया है, बराबर के नहीं, फ्रॉम वेदर द कंपनी हैज टेकन एनी फंड्स फ्रॉम एनी एंटिटी और पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ और टू मीट ऑन अकाउंट ऑफ और टू मीट द ऑब्लिगेशंस ऑफ सब्सिडरी. इसमें दो बात है, एक तो आपने सब्सिडरी के नाम पे आपने आपके लिए लोन लिया, या आपके नाम पे आपने सब्सिडरी के लोन लिया. बात पहुंची आप तक? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है. इसमें दो बातें आपने रिपोर्ट करनी है, क्या आपकी कंपनी ने लोन लिया है. हाँ, अगर आपकी कंपनी ने लोन लिया है तो इंपॉर्टेंट क्या है, कि क्या आपने जो लोन लिया है वो सब्सिडरी के लिए लिया है, आपके नाम पे आपने सब्सिडरी के लोन लिया है, या दूसरा, दूसरा क्या है, आपने सब्सिडरी के नाम पे आपके लिए लोन लिया है. ये दो बातें आपको रिपोर्ट करनी है, ऐसा कुछ गड़बड़ है क्या. समझो बात को, वेदर द कंपनी हैज टेकन एनी फंड्स फ्रॉम एनी एंटिटी और पर्सन, किसी से भी, ऑन अकाउंट ऑफ इट सब्सिडरीज और टू मीट दी ऑब्लिगेशन ऑफ इट सब्सिडरीज, ऐसा वो रिपोर्ट करना है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वेदर द कंपनी हैज रेज्ड एनी लोन्स ड्यूरिंग द ईयर ऑन द प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन सब्सिडरीज, ज्वाइंट वेंचर्स और एसोसिएट्स. मतलब आपने लास्ट वाला क्या कहता है, सब्सिडरीज, जेवीज या एसोसिएट्स की, मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था ना किसमें, सब्सिडरीज में, ज्वाइंट वेंचर्स में, एसोसिएट में, तो वहां पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, क्या उस इन्वेस्टमेंट को गिरवी रख के आपने लोन लिया है क्या. बराबर. तो अगर है तो आपने उसका डिटेल्स देना है, एंड ऑल्सो अगर उसमें कहीं डिफॉल्ट किया है तो. क्लियर, एकदम सिंपल. 10th वाला पॉइंट एकदम आसान है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर एंड डेट फाइनेंस. इसमें सिंपल सी बात है, कि क्या उसी पर्पस के लिए आपने अप्लाई किया था क्या नहीं किया था वो आपको बताना है. अगर आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट किया है आपने, सो क्या आपने वो कंप्लाइड विद द फंड्स रेस्ड, हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट द फंड्स वर रेस्ड. सेम पॉइंट्स है. आई बात समझ में आपको? आईपीओ, एफपीओ, डेट फाइनेंस, सेम पॉइंट है, कि अगर आपने कोई भी लोन लिया है या आपने कहीं पे भी कोई भी, क्या बोलते हैं, आईपीओ एफपीओ किया है, तो आपने उसी पर्पस के लिए पैसा यूज करा है या नहीं करा है वो आपने देखना है. आई बात समझ में आपको? यो, 11th पॉइंट, अगर आपको कोई भी फ्रॉड का, ये सेम पॉइंट है, फ्रॉड, वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी आपको रिपोर्ट करना है. प्लस 143(12) में आपको कोई अगर फ्रॉड मिलता है, मिला था, तो वो भी आपने ADT 4 में रिपोर्ट किया है नहीं किया वो आपको बताना है. तो ये सिंपल है. सी वाला पॉइंट कहता है, वेदर कंपनी हैज कंसिडर्ड विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स इफ एनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बाय द कंपनी. विसल ब्लोअर कंप्लेंट मतलब कंपनी के अंदर एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चलते एक विसल ब्लोअर मैकेनिज्म लगाता है. विसल ब्लोअर मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, कि अगर कंपनी के अंदर कुछ गलत चीज होती है, डायरेक्टली टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट किया जाता है कि कंपनी के अंदर कुछ गलत हो रहा है, तो वो जो गलतियां हो रही है, फ्रॉड्स, वो विसल ब्लोअर्स वही तो फ्रॉड्स को डिटेक्ट करते हैं, अनअर्थ करते हैं, डिस्कवर करते हैं. बराबर. अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ग्रास रूट लेवल पे हूँ और मुझे दिखता है कि कोई ना कोई तो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड करता है, तो मैंने सीधा टॉप लेवल पे जाके बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा फ्रॉड होता है. तो क्या ऑडिटर ने इन विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स को ध्यान में रखा था या नहीं रखा था वो आपने देखना है. आई बात समझ में? तो ये फ्रॉड की बात हो गई. निधि कंपनी, सिंपल सी बात है एकदम, इसमें कोई टेंशन नहीं निधि कंपनीज के बारे में, है ना, राइट. रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम पॉइंट है.
जो कारो 2016 में भी अपन ने रेगुलर क्लासेस में पढ़ी थी, है ना। अब न्यू पॉइंट आता है इंटरनल ऑडिटर, वेदर कंपनी हैज एन इंटरनल ऑडिट सिस्टम कमेंसुरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। क्या आपके पास अच्छा खासा इंटरनल ऑडिट सिस्टम है जो आपके बिजनेस को सूट करे वैसा, और क्या वेदर रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स फॉर द पीरियड वर कंसिडर्ड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। तो इंटरनल ऑडिटर की भाई आपके पास इंटरनल ऑडिट सिस्टम है क्या नहीं है वो बताओ, और अगर है तो उसके रिपोर्ट्स आपने कंसिडर करे थे या नहीं करे थे वो आपने देखना है। 15th पॉइंट, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, सेम पॉइंट है बार्टर वाला, कि आपने कुछ देके कुछ लिया है या कुछ लेके आपने कुछ दिया है कंपनी को, तो ऐसा आप नॉन कैश ट्रांजेक्शंस नहीं कर सकते हैं, बट अगर करना है तो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 192 को आपने फॉलो करना है, बराबर, राइट। फिर अपन बात करते हैं एनबीएफसीज की। एनबीएफसीज में क्या क्या इसमें थोड़ा और डिटेल उन्होंने ऐड कर दिया। फर्स्ट, 45 IA में रजिस्ट्रेशन जो लेना पड़ता था वो लिया क्या नहीं लिया वो आपने रिपोर्ट करना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो तो सिंपल है एकदम एनबीएफसी का। बी वाला पॉइंट क्या कहता है कि वेदर कंपनी हैज कंडक्टेड एनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल और हाउसिंग विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो आपने वो रिपोर्ट करना है। मतलब देखो हर एनबीएफसी को क्या करना पड़ता है बॉस, हर एनबीएफसी को, अगर आपको एनबीएफसी आपको ये बिजनेस करना है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो आपने क्या करना है आरबीआई के तहत, आरबीआई के साथ आपने आपका एनबीएफसी का सर्टिफिकेट ले लेना है, एंड देन यू कैन कैरी आउट व्हाट दी एनबीएफसी बिजनेस। तो पहले लिया है कि नहीं लिया वो चेक करना है, और अगर आपका कोई क्लाइंट है जो एनबीएफसी के एक्टिविटीज कर रहा है या हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज कर रहा है विदाउट ऑब्टेनिंग सच सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो आपने उसको रिपोर्ट करना है। नंबर थ्री, वेदर अ कंपनी इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एज डिफाइंड बाय द रेगुलेशंस, एंड इफ सो वेदर इट कंटिन्यूज टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। नाउ व्हाट इज दिस कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज मतलब एनबीएफसी जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसका 90% जो बिजनेस है ना, 90% जो बिजनेस है ये इन्वेस्टमेंट में होता है, इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब जितना भी उनके पास पैसा है ना 90% इन्वेस्टमेंट में लगाती है, और इस 90% का 60% ये लोग इक्विटी में लगाते हैं। इन कंपनीज को कहते हैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, और ये उनका क्राइटेरिया है, ये उनका क्राइटेरिया है कि भाई आपने आपका टोटल जो आपके फाइनेंशियल एसेट्स है वो 90% आपने इन्वेस्टमेंट में करना चाहिए, जो इनकम है 90% इनकम आपको उसमें से आनी चाहिए। तो 90% आपके जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स है आप वो इन्वेस्ट कर रहे हो, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है आपकी, और उस 90% में से आपका 60% इक्विटी शेयर्स में होता है। ये फाइनल वाले बच्चे तो जानते ही है, और जो इंटर वाले बच्चे हैं ये उनको समझ लो, बराबर। तो अपने को देखना है कि क्या ये क्राइटेरिया थ्रू आउट मेंटेन करते हैं या नहीं करते हैं। आई बात समझ में आपको? यस। एंड इन केस द कंपनी इज एन एग्जेम्प्टेड और अनरजिस्टर्ड CIC, वेदर इट कंटिन्यूज टू फुलफिल सच क्राइटेरिया, जिस पर्पस पे उन जिस बेसिस पे उनको एग्जेम्प्शन मिला है उस बेसिस पे। फोर्थ पॉइंट, वेदर द कंपनी वेदर द ग्रुप हैज मोर देन वन CIC एज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, इफ यस इंडिकेट द CICs विच आर द पार्ट ऑफ द ग्रुप। अगर एक ग्रुप में बहुत सारे, जैसे टाटा सन्स इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी फॉर टाटा ग्रुप, और ऐसे अगर बहुत सारे आपके पास अगर ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है तो आपको उसको बताना है। आई बात समझ में? सिंपल। 17th पॉइंट जो ऐड हुआ है वो है कैश लॉसेस का। फाइनेंशियल लॉस की बात नहीं हो रही, अपन किसकी बात कर रहे हैं? कैश लॉस की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द कैश लॉस। कैश लॉस की जब बात करते हैं ना मेरे बच्चों, जो कैश फ्लोज में आपको जो नेगेटिव कैश फ्लो दिखता है ना, अगर वो आपको कहीं इनकर हुआ है इन द फाइनेंशियल ईयर एंड इमीडिएटली प्रिसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, वो बताओ और उसका अमाउंट भी बताओ। आई बात समझ में? राइट। अब बात करते हैं, अभी अभी सिंपल पॉइंट है, एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स है। ऑडिटर, वेदर देयर हैज बीन एनी रेजिग्नेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कोई ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दिया है क्या, एंड अगर है तो द वेदर द ऑडिटर मतलब करंट ऑडिटर, ये आपके लिए बता रहा हूं,
whether the current auditor has taken into consideration the issues, objections or concerns raised by the outgoing auditor. अगर कोई पुराने auditor ने अगर resignation दे रखा है, उसके जगह पे नया auditor आएगा, casual vacancy fill हो जाएगा, तो उस समय पे क्या जो नया auditor आया है, उसने पुराने auditor के issues, objections, concerns वो उसने consider करे या नहीं करे, और अगर नहीं करे तो guilty तो होगा, वो ऐसा appointment accept कर नहीं सकता without first communicating with the previous auditor, है ना? Next, 19 point ratios के बारे में बात करता है. On the basis of financial ratios, aging and expected dates of realization of financial assets and payment of liabilities, other information accompanying the statements, the auditor's knowledge of the board of directors and management's plans, whether the auditor is of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of the audit report, that the company is capable of meeting its liabilities. मतलब ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? This is what we are talking about is the going concern. कि जो भी उनके रेशियोज है, एजिंग है, एक्सपेक्टेड डेट्स है, उनके बेसिस पे बराबर आपने को जज करना है कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, क्या क्या कंपनी अपने फ्यूचर ऑब्लिगेशंस को कंप्लाई कर सकती है क्या, वो अपन ने देखना है. आई बात समझ में? राइट. अब लास्ट टू पॉइंट्स, देन वी आर डन. अनस्पेंट अमाउंट. अब ये क्या कहता है? वेदर द रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, जैसे हम लोग ये सी एस आर से रिलेटेड है ये, बराबर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो ये जो है ना सी एस आर का, अगर कोई अनस्पेंट अमाउंट है विद इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, बराबर, एंड ये बात कर रहे हैं अपन किसकी? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की. अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, द कंपनी हैज ट्रांसफर्ड अनस्पेंट अमाउंट टू द फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. मतलब आपको देखो एक फिक्स्ड अमाउंट, एक परसेंटेज कमेंट बॉक्स में बताना, चेक करूंगा आपको आता है कि नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि बाबा एक एक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज आपको क्या करना होता है, आपको सीएसआर में स्पेंड करना पड़ता है ऑफ द नेट प्रॉफिट्स, यू नो इट. तो उतना अगर आपने स्पेंड नहीं किया है तो आपको वो अनस्पेंट अमाउंट आपने क्या करना है, फंड्स में वो डाल देना है. वेदर एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट under subsection 5 of section 135 pursuant to any ongoing project, project chalu hai, has been transferred to the special account in compliance with the provision, to usko schedule 7 ke fund mein nahi but uska separate account mein usko aapne paisa transfer kiya ya nahi kiya. Aayi baat samajh mein? Right. Ab 21 wala point, ye aapko kahan pe tha? CFS wale ko applicable tha. Simple hai. Ye kya kehta hai? In 20 points mein, इन 20 पॉइंट्स में जो भी अपन ने पढ़ा है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं पे भी क्वालिफाइड और एडवर्स रिमार्क अगर दिया गया है कारों के अंदर, नहीं समझे? देखो सब्सिडरी के कारों के अंदर मान लो ऑडिटर ने एक एडवर्स या क्वालिफाइड रिमार्क दे दिया है कि अब प्रॉपर इन्वेंट्री से रिलेटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करे हैं, या कोई भी ऐसा कमेंट वो ऊपर के 20 पॉइंट्स रिलेटेड कोई क्वालिफाइड और एडवर्स रिमार्क अगर दिया है कोई भी सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर ने, तो वो रिमार्क उठा के उस कंपनी का जो सीएफएस बनेगा ना, ग्रुप का सीएफएस बनेगा ना, उसमें डाल देना है. खलास. वेदर देर हैव बीन एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क बाय द रिस्पेक्टिव ऑडिटर्स इन द कारो reports of the companies included in the CFS. If yes, indicate the details of the companies. मतलब जो subsidiary CFS में आई है, उस subsidiary के standalone financial statements में अगर कोई qualified या adverse remark है, तो वो remark उठा के अपन CFS के कारों में डाल देंगे. खत्म. बाकी और कुछ नहीं डालना है, सिर्फ 21 वाला point ये CFS वालों के लिए डालना है. That's it. Simple है एकदम. Right? Yo. इजी एकदम कारो, कोई टेंशन नहीं है, रीड कर लेना उसको, बराबर, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मई 21 ऑनवर्ड्स ये एप्लीकेबल है, तो ध्यान से पढ़िएगा उसको. राइट. ओके. सो थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय. आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर 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 बताना, है ना, लाइक का बटन प्रेस करना, कमेंट्स में बताना, डू यू हैव यू एंजॉयड दिस सेशन.
तो जो लेक्चर्स अभी अवेलेबल है सीए फाइनल के लिए और सीए इंटर के लिए आप वो देख सकते हो, जो अभी जो वेबसाइट पे अवेलेबल है वो आप सारे लेक्चर्स आप परचेस कर सकते हो, देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। उसमें सिर्फ कारो 2016 के लेक्चर्स थे, उसके जगह पे आपने ये कारो 2020 का लेक्चर देखना है। तो 16 भी देखना, 16 देखने के बाद ये 20 वाला पार्ट आपने देख लेना है, राइट? ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।